हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में क्या करेंगे, फाइंड द इंटीग्रल। एक इधर फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन करके हमको आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। लेट अस सी क्या करना है इधर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय सो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डीएक्स करके है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करना है, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया तो हमको नहीं आएगा, थोड़ा कुछ अरेंजमेंट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू सो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर पार्ट में क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम इधर लेंगे, स्पेस लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सो क्या लेंगे न्यूमरेटर पार्ट में, इधर साइन ऑफ बी माइनस ए लेंगे। ओके, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, सेम रहेगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, ये तो सेम है। इधर मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन ऑफ बी माइनस ए हो गया, सो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो इसको बाहर लेंगे, साइन ऑफ बी माइनस ए, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग यही करना है इधर, ठीक है। नाउ सो दैट इज इक्वल टू सो 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए एज इट इज, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया। सो साइन ऑफ इन साइड इंटीग्रल वही भी कॉन्स्टेंट है, इसको भी और एक तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। साइन ऑफ बी माइनस ए यू कैन राइट लाइक दिस, साइन ऑफ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, सो एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी इज ए बी माइनस ए आएगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है वैसे लिखेंगे, सेम टू सेम, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx, sorry, okay, now see, आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, एक फॉर्मूला इधर अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी, यू नो दैट साइन ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला। सो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ए फॉर्मूला आपको पता है, यही फॉर्मूला इसको न्यूमरेटर पार्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए, दिस इज एज इट इज, नो चेंज। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ए हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, यही ए फॉर्मूला इधर यूज हो गया। सो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, सेम लिखेंगे हम, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। ओके, अभी न्यूमरेटर क्या है, दो टर्म है, इसको अलग अलग करेंगे हम। अलग का मतलब सो इस तरह आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, सो अलग अलग किया तो पहले अलग लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है वही लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, सो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है। ओके, नाउ सी दिस इज ए फर्स्ट टर्म, ए हो गया फर्स्ट टर्म एंड दिस इज ए सेकेंड टर्म, ठीक है ना। माइनस उसके बाद कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर क्या है, सेम वही लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, सो दैट इज टी एक्स। अभी क्या है, इधर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, सी कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा इधर, सो दिस टू आर कैंसिल। सो सेकेंड टर्म में cos of x minus a cancel, ठीक है, that is equal to 1 divided by sin of b minus a, integration of, what is remaining, sin by cos, that is a tan, tan of x minus a, same है ना, x minus a, minus sin, इधर क्या है, sin of x minus b common है, x minus b cos of x minus b है, ये हो गया tan of x minus b आएगा ये, so dx। ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए एज इट इज, ए तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये
ओके अभी इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, दिस इज ए इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस बी। ओके इसका डी एक्स आएगा, इसका भी डी एक्स आएगा, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इज ए माइनस लॉग आएगा, सॉरी माइनस लॉग कॉस आएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट, माइनस सेकेंड इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा वो भी माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी आएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो गया लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। नाउ आपको एक लॉग प्रॉपर्टी, यू नो दैट लॉग प्रॉपर्टी, सो जनरली हम कैसे लिखें, सो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज ए लॉग ऑफ एक्स वाई, वाई एक्स बाय वाई आएगा। सो ये फर्स्ट ये क्या हो गया, ये एक्स पार्ट हो गया, ये क्या है माइनस है ना, ये वाई पार्ट हो गया। सो ये क्या लिखना है, दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए, सो प्लस सी आएगा, सॉरी इधर प्लस सी आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, सो इनटू लॉग ऑफ दैट इज ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हम आसानी से आंसर पा सकते हैं, हमको सिर्फ क्या चाहिए, बेसिक पता रहना चाहिए। अगर आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, सब्सक्राइब किए तो आपको नई वीडियो का नोटिस मिलेगा। आपको दूसरी मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब पे पेज में जाइए, आई बटन में पे कुछ लिंक से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।